यकीन नहीं आ रहा, ये तो शदीद नाइंसाफी है। वो किसी की बात क्यों नहीं सुनते? बस तुम देख लो नादरा। बैठो। क्या बैठूं? नहीं, परेशानी वाली बात बता दी है। मेरा ना पूछो क्या हाल हुआ, बस मुख्तार साहब ने तो अपना फैसला सुना दिया। तुम्हारी देवरानी की बच्ची है ना, तेज तरार है। और मुझे देखो, बड़ी खाला बन के निकली थी मैं अच्छी सी लड़की ढूंढने जवाब के लिए, और मिल भी गई थी। अमेरिका में रहती है इतनी प्यारी पढ़ी लिखी, वो साबिर की कजिन नगमा है, अमेरिका में रहती है, अमीर तरीन फैमिली, और वो चाहते थे कि शादी पाकिस्तान में हो। मैं सोचा था जवाद की शादी उधर हो जाएगी, तुम भी खुश, सब लोग खुश होंगे। अरे छोड़ो ना, अब क्या हो सकता है भाई, क्या हो सकता है। वैसे तुमसे ज्यादा बेबस औरत नहीं देखी। बीवियां होती हैं, जानती हैं किस तरह से अपने शौहर को कंट्रोल करें, और एक तुम हो। मुख्तार साहब के सामने किसी की नहीं चलती, उन्होंने तो राशिद तक को डांट दिया। अरे वो भी कहां चाहता है इफ्रा और जवाद का रिश्ता हो। तो सही इख्तलाफ कर रहे हैं ना, पहले मुख्तार भाई ने राशिद की जिंदगी तबाह की, और अब जवाद की। जवाद की तो तुम रहने ही दो भाई, ये सब कुछ उसी के कहने पर तो हो रहा है। अरे इफ्रा से शादी ना होने पर कनाडा जाने और शादी ना करने की धमकी दी है उसने, फिर क्या करते भाई? कब करवा रही हो शादी? अभी तो सिर्फ निकाह है, रुख्सती 2 माह बाद होगी। नरगिस, क्या पता तब तक जवाद अपना माइंड चेंज कर ले। 2 महीने में कुछ भी हो सकता है नरगिस। लेकिन मुख्तार को नहीं तुम जानती, वो जो एक बार फैसला कर ले ना, बस उसी पर रहते। लेकिन वो मुझे नहीं जानते कि मैं क्या कर सकती हूँ। क्या सोच रही हो? मैंने अगर फयाज और आफिया की इन दोनों लड़कियों को उनके औकात की आत्मा दिला दी ना, तो मेरा नाम भी नरगिस नहीं, बस देखती जाओ। ठीक है, चाय लेकर आओ मेरे लिए। जी ताई अम्मी। ये तुम कब तक पीला जोड़ा पहनकर दुल्हन बनी बैठी रहोगी? तुम कोई अनोखी मां नहीं बन रही हो जो दिन रात आराम ही करती रहे। घर है तुम्हारा, इसे अपना घर समझो, पोचे वोचे लगाओ, कोई डस्टिंग करो, चीजें बेतरतीब हो रही हैं उन्हें देखो। लेकिन नहीं, तुम तो बस आराम ही करती रहती हो। चलो उठो, काम वाम करो। वो टाइम ही, लेकिन मैंने घर के सारे काम बांट दिए थे, और किचन का काम भी जो है वो रानी को बता दिया था। अच्छा, ओ इसका मतलब है कि तुम्हारे घर में तो तुम्हारी माँ ने मुलाजमों की फौज रखी थी, है ना? और बीबी, मेरा काम तो तुम ना ही करो तो अच्छा है, लेकिन अपने खामंद के लिए खाना तो बना सकती हो ना, घर के दूसरे काम तो कर सकती हो ना, या तुम्हारे हाथ टूटते हैं? आप ऐसा क्यों कह रही हैं ताइमी? मेरे शौहर हैं, मैं सारा काम। अच्छा अच्छा, बस बस, ज्यादा जज्बाती होने की जरूरत नहीं, उठो काम करो सारे। और सुनो, कमरे के और लाउंज के पर्दे गंदे हो रहे हैं, तुम्हें तो नजर नहीं आए ना, उतारो उन्हें और याद से भेजो ड्राई क्लीन के लिए। जी थाई मैं। नीचे करो।
आधी मोहब्बत आधा फसाना ढूंढ ले ऐ दिल अपना ठिकाना। सीखा है तुमने बड़ा दिल को जलाना, छोड़ दिया है तुमने हमको मनाना। हाय आज तो बहुत गर्मी थी रानी। तो आप अकेली क्यों चली गई? राशिद भाई को कहती ना। हाँ मेरा बेटा तो फारिग बैठा है ना, जो इसके साथ बाजारों के चक्कर लगाता फिरेगा। और तुझे क्यों इतना हमदर्दी का बुखार चढ़ रहा है? चल जाकर अपना काम कर। जी। यहाँ कहाँ जा रही है? मेरे कमरे में जा, सारा कमरा बिखरा पड़ा है, सफाई कर सही तरह जाकर। मगर खाना। समरा बना लेगी खाना। समरा बाजी कैसे? ज्यादा जबान चलाने की जरूरत नहीं है, जो कह रही हूं ना वो कर। चल जा यहां से। जी। और तुम्हें कहना पड़ेगा, बनाओ खाना। जी ताई अम्मी बना। ताई अम्मी बड़ी जल्दी है कमरे में जाने की। दाइमी वो राशिद आ गए। राशिद से पहले उसकी माँ का हक है। जी। सर दर्द से फटा जा रहा है, तेल लेकर आओ और मसाज करो मेरे सर की। अभी कर सकती हूँ। कुछ एहसास है अपने शौहर का? कब से इंतजार कर रहा हूं तुम्हारा। कहां थी? वो ताई अम्मी के सर में दर्द था, उनको मालिश कर रही थी। ताई अम्मी की मालिश कर रही थी? शौहर के भी कोई हकूक होते हैं। घर वालों के दिल जीतने से कुछ नहीं बनता, शोहर का दिल जीतना होता है, शोहर का, समझ आई? क्या हुलिया क्या लग रही हो तुम? प्यार व्यार नहीं होना था तुम्हें? हाँ कोई बंदा तैयार होता है अपने शोहर के लिए, अच्छे कपड़े पहनता है, कोई लिपस्टिक लगाता है, लेकिन शक्ल देखो अपनी। जब बीवियां तैयार होती है ना तो शोहरों की सारी थकावट उतर जाती है। सुना तो हमने यही है,
लेकिन तुम्हें देख के तो थकावट और चढ़ गई है। हाँ तो मुझे सारा दिन फुर्सत ही कहाँ मिलती है इतने कामों से। चल झूठी, कौन से काम, कौन से काम, सारा दिन तो आराम करती हो। और अब तो अम्मी को जब से पता चला ना कि बच्चा होने वाला है, उन्होंने सब काम कराना बंद कर दिया। जानता हूं मैं, उठ के पानी का गिलास तक नहीं पीती तुम। जो असल बात है वो बताओ। जाहिर है मेरे लिए क्यों तैयार होगी, दिल में तो कोई और पसंद है। खुदा के लिए राशिद, आप मुझे ये ताने देना बंद करें। कैसे समझाऊं, मेरे दिल में आपके अलावा और कोई नहीं है, इसलिए प्लीज ये सब बातें करके आप मेरा और दिल मत दुखाया कर। अच्छा चुप कर, ड्रामेबाज फौरन तस्वे बहाने लग पड़ी है। और दुखी ना करें, गुम करिए मनु शकल, इससे बेहतर है बंदा घर ही ना आया करे। आप यही रुके, मैं भी तैयार होके आती। कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? समरा आप ही की तरफ जाऊंगी। समरा की तरफ क्यों जाना? खैरियत है ना, ठीक है ना, वो कोई परेशानी तो नहीं? खैरियत ही तो मालूम करने जा रही हूँ, इतने दिनों के कोई बात ही नहीं हुई, पूछूं तो कहाँ बिजी हैं? अरे बेटा, शादी का घर है, 10 काम होते हैं, और तुम भी वहाँ जाना बंद करो। तुम्हारा रिश्ता तय हो गया, कुछ दिनों में निकाह है। निकाह है अम्मी, हुआ तो नहीं। और वैसे भी पूछने देना मुझे, ऐसी भी क्या नौकरों की फौज में बिजी हो गई कि अपनी लाडली बहन को ही भूल गई हैं? बेटा घर में भले जितने मर्जी नौकर हो, घर को औरत ही संभालती है, उसी के दम से बरकत होती है। बताया नहीं था इसे कि मैंने क्या कहा है? और तुम बुद्ध बने क्या खड़े हो? चलो पौधों को पानी दो, पत्ते काटो और ये क्यारियां साफ करो। हद हो गई भाई। ऐसे क्या देख रही हूँ, बाहर से आई हूँ, अब पैर अपने सर पर रखने से तो रही, और तुम्हें नजर नहीं आ रहा मैं आ रही हूँ? सामने सामने मॉप लगाए जा रही हूँ, लगाओ दोबारा से। अरे ये आप नौकरों वाले काम क्यों कर रही हैं? नौकर कहाँ हैं? इफ्रा घर में भी तो काम करती थी, ये भी तो घर है मेरा जहाँ काम कर रही हूँ, उसमें कौन सी बड़ी बात है? हाँ लेकिन घर में तो काम आप अपनी मर्जी से करती थी ना। ताई अम्मी, आपको जरा एहसास नहीं है, आप मेरी बहन से काम करवा रही हैं। इस हाल में अपने घर का काम करने से कोई नौकर बन जाता है? और ये इसका घर है, और ये तुमने खूब कही, इस हाल में बीबी, इस हाल में हम तो पूरे पूरे खानदान को संभालते थे, ये कोई अनोखा बच्चा पैदा करने नहीं जा रही है। किस तरह बात कर रही हैं आप, और मैंने ऐसा क्या कहा? मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ कि अगर ये इनका घर है तो आपका घर भी है, आप उनका हाथ बटाएं, हुक्म क्यों चला रही हैं आप? इफ्रा, ज़बान संभाल कर बात करो, ये तुम्हारे बाप का घर नहीं है। जानती हूँ कि मेरे बाप का घर नहीं है, अगर ये मेरे बाप का घर होता ना तो मेरी बहन के साथ ये सुलूक ना हो रहा। इफ्रा प्लीज चुप रहो। आप चुप रह सकती है, मैं नहीं। इसी खामोशी का तो फायदा उठा रही है। क्या फायदा उठा रही हूँ मैं, बोलो। अरे कौन से जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए तुम्हारी बहन पर जो तुमने इतना बावेला शुरू कर दिया? और तुम अभी इस घर में आई नहीं हो, इतनी बदतमीजियां शुरू कर दी हैं, इधर आने के बाद क्या गुल खिलाओगी तुम? हाँ ताई अम्मी, आप गुस्सा नहीं करें, मैं समझाती हूँ इफ्रा। तुम क्या समझाओगी बीबी, ये सारी कारिस्तानी तुम्हारी की हुई है। तुम ही ने फोन करके बुलाया होगा अपनी बहन को कि आओ देखो मेरे ऊपर कौन से जुल्म के पहाड़ टूट रहे हैं, और अब ऐसे मजलूम बनकर खड़ी हो जैसे वाकई जुल्म हो रहा है तुम पर, है ना? ऐसा क्यों करूंगी ताई अम्मी, मैं क्यों बुलाऊंगी इफ्रा को? इसलिए कि सबको बता सको कि तुम्हारे साथ इस घर में क्या सलूक हो रहा है। ताई अम्मी, आप मेरी बहन पे इल्जाम लगा रही है, हद नहीं हो गई है? क्या इल्जाम लगा रही हूँ मैं? और तुम्हें तुम्हारी माँ ने तमीज नहीं सिखाई जो बड़ों के मुंह आती हो तुम? इफ्रा छोड़ो बात को,
एक मिनट। मैंने तो सुना था सास माँ का रूप होती, अगर माशाल्लाह से आप अच्छी माँ तो बन ही नहीं पाए, अच्छी सास क्या बनेंगी? रॉब, ये गलती भी मत करना ताहिए। इफ्रा, चलो यहां से। बात सुनो, इस गुस्सा नहीं करो, इधर आओ बैठो, आराम से एक बार मेरी बात तो सुनो। तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए था, अगर तुम्हें भी इसी घर आना है ताई, मैं अब पता नहीं क्या करेंगी। उन्हें जो करना है वो करेंगी, आप अपना सामान बांधे और चले मेरे साथ। इफ्रा, ये तुम क्या बोल रही हो? मैं ठीक कह रही हूँ, मैं अब आपको यहाँ नहीं रहने दूंगी, आप चलिए हमारे साथ। कोई लावारिस थोड़ी ना है आप, आपके वारिस अभी जिंदा है। क्या कर रही हो? ये मेरा घर है अफरा, आप बहुत जल्द तुम्हारा भी हो जाएगा, ऐसे अपना घर नहीं छोड़ते। अम्मी ने क्या समझाया था, लड़कियां छोटी छोटी बातों में ऐसे अपना घर नहीं छोड़ती, इसलिए तुम अपना गुस्सा कंट्रोल करना सीखो। अगर समरा अभी प्लीज अफरा, मैंने कहा ना मेरा घर है, मैं संभाल लूंगी, तुम परेशान मत। इफ्रा प्लीज, ऐसी कयामत अब पे गुजरी, दिल चूर चूर हुआ, इश्क नमक जा जख्म मोहब्बत आधा फसाना, ढूंढ ले ऐ दिल अपना ठिकाना। इफ्रा, क्या हुआ इफ्रा, रो क्यों रही हो? चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, चलो। फ्रॉप, अब तो घर आ गए, अब तो बताओ हुआ क्या था? अपनी उम्मीद टूटने का दुख लेके आ रही हूँ, अपना मुस्तकबिल देख के आ रही हूँ मैं। तो लगता था कि आप भी वहां पे बहुत खुश होंगे, लेकिन जो कुछ मैं देख के आ रही हूँ ना, मेरी तो उम्मीद ही खत्म हो गई। इफ्रा बात तो सुनो, इफ्रा मेरी बात सुनो, देखो मुझे नहीं पता कि तुमने घर पे क्या देखा है या क्या हुआ है, लेकिन ऐसी छोटी मोटी बातें हो जाती हैं घर पे। छोटी मोटी बात? मुझ पे हाथ उठा रही थी वो, क्या पता मेरी बहन को भी मारती हूँ आपकी अम्मी। समरापी तो कुछ बताती नहीं है। कोई नहीं मारता समरापी, मैं गुस्से में होंगी इस वजह से ये सब कुछ हुआ है, और मैंने कहा ना मैं उन्हें समझाऊंगा, उनसे बात करूंगा। तो गुस्से में क्या आप किसी दूसरे की बेटी के साथ ज्यादती करेंगे? भूल गई हो कि उनका अपना ही खून है, और आप भी रहने दें, कुछ नहीं कर सकते हैं आप। खुदा हाफिज। Thank you.
माँ हो क्या गया आपको? रोती रहेंगी, मैंने तो उनको कभी इतना रोते नहीं देखा। अब्बा उठ जाएं, ये देखिए रो रही हैं, हुआ क्या है? अरे उस लड़की की इतनी हिम्मत कि वो मेरा हाथ पकड़ ले। अभी तो इस घर में आई नहीं तो उसके ये तेवर है, आ गई तो मुझे तो किनारे से लगा देगी। और वो समरा, वो खामोश तमाशाई बनी देखती रही। मैं तुम्हें बता रही हूँ ये सारा कुछ तेरी बीवी की शय पर हुआ है, वरना उसकी इतनी हिम्मत नहीं थी कि मेरी इस तरह से बेइज्जती करती। अच्छा चुप हो जाओ यार, बात करूंगा फैयाज से, लगाम दे अपनी बेटी को। अच्छा आप इधर इधर बैठे ना, बैठे आराम से। अगर समरा को जरा भी लिहाज होता ना तो अपनी बहन का मुंह तोड़ देती। अरे उसने ये भी नहीं सोचा कि मैं उसके शौहर की माँ हूँ। बड़ी बेइज्जती हुई मेरी। अच्छा अम्मा आप चुप कर जाए, मैं सबको देख लूंगा और इसकी तो वाट लगाता हूँ अभी मैं। राशिद, समझाने के और भी बहुत सारे तरीके होते हैं, जरूरी नहीं कि शोर शराबा ही किया जाए। मुख्तार साहब, ये मियां बीवी का मामला है, आप पूछ रहे थे इसे। जा, जा राशिद, बात कर अपने तरीके से। और क्या तरीका है, छनकना बजा के समझा। मेरी इतनी बेइज्जती हुई है। चुप हो जाओ यार, आपको तो लिहाज ही नहीं है कोई। दो मिनट सुकून के नहीं है जिंदगी। समरा, समरा बस डर गई। जब तुम्हारी बहन मेरी माँ के साथ बकवास कर रही थी तब नहीं डर लगा? नहीं नहीं राशिद। क्या नहीं नहीं, क्या नहीं नहीं, चुप करके देखती रही तमाशा, मेरी माँ की बेइज्जती करवाती रही, मजा आ रहा था क्या? हाँ नहीं नहीं राशिद, मैंने इफ्रा को, हाँ क्या मैंने इफ्रा को कोशिश की लेकिन वो मानी ही नहीं है ना, मेरे आगे तो बड़ी जुबान चलती है, वहां नहीं चला सकती थी, इसीलिए सहर लगती है मुझे। मैं तो वैसे ही शादी के खिलाफ हूं, ये जवाद का बच्चा पता नहीं क्या घोल के पिला दिया उसको, आंखों में पट्टी बंद की जवाब साहब के। एक बात कान खोल के सुन, उसको बोलो जब तक शादी ना हो इस घर में कदम ना रखे। मैं उसको कैसे रोक सकती हूँ इस घर में? मुझे क्या पता कैसे रोकोगी, बस रोको, वरना उसका वो हाल करूंगा कि पूरी दुनिया तमाशा देखेगी, सबके सामने ज़लील ख़वार कर दूंगा उसको। आप क्या कह रहे हैं? जो कहना था कह दिया। ओ टसवे बहाना बंद कर बात बात पे, नीला जोड़ा निकालो मेरा। गुड जॉब एवरीवन। हेलो, अब तक नाराज हो? नहीं, नाराजगी से क्या फर्क पड़ता है? अरे तो मेरे दिल से पूछो, तुम्हारी नाराजगी की वजह से ना धड़कना भूल जाता। क्यों करते हैं आप ऐसी बातें भाई? नहीं करूंगा ऐसी बातें अगर तुम नाराज होना छोड़ दो। क्यों फोन किया?
फोन मैंने इसलिए किया है कि मैं अपनी होने वाली बीवी से पूछ लूं कि वो खुश तो है ना। हाँ, ख्वाहिश जब पूरी होती है तो इंसान खुश ही होता है ना। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा सुनकर। यानी कि मैं आपकी ख्वाहिश हूँ? नहीं, हाँ आप मेरी बहन की ख्वाहिश है, मतलब उनकी ख्वाहिश थी कि मेरी शादी आपसे हो, तो इसलिए वो अम्मी अबू मेरे पीछे पड़ गई थी तो मुझे हाँ करना पड़ा। हाय, और मैं समझा कि मेरी मोहब्बत ने आपको अपना असीर बनाया। कोई काम नहीं है आपको? तुमसे अपनी मोहब्बत का इजहार करने से कोई और बड़ा काम हो सकता है? अच्छा मुझे बताओ, तुम खुश तो हो ना? ऑफ कोर्स मैं खुश हूँ, अगर मैं ना होती तो फिर मैं शादी के लिए हाँ क्यों कहती हूँ? बस ठीक, दो माह का टाइम है तुम्हारे पास, उसके बाद तुम वहाँ नहीं यहाँ हो। दो माह? मतलब मेरे तो पेपर्स हैं अभी, और समरा आप ही वो कैसे हालत में शादी को एंजॉय करेंगी भाई? अरे हाँ, इस बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं था। खैर, अपनी बहन की खातिर कुछ अरसा और तुमसे दूरी बर्दाश्त करूँ। अपना ख्याल रखो, खुदा हाफिज़। मैडम आई, मैडम 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 आइए, कब से इंतजार कर रहा था। परी, इस चूसनी के साथ कहाँ जा रही हो? ओ बदतमीज आदमी, कौन है, कौन ये? कोई भी नहीं, नाकाम सा एक्टर है मेरे पीछे पड़ा हुआ है। ओहो, अचानक से नाकाम हो गया? नाकाम किया किसने मुझे? पहले तो कुछ और कहती थी, बड़ा टैलेंट है, पर्दे पे आएगा तो बाकी एक्टरों की छुट्टी करा देगा। अब क्या हुआ? टैलेंट? आ जाओ भाई, आ जाओ, देखो नया टैलेंट आया है, वो हीरो बनाओ भाई इनको। अरे आओ आओ आओ, टैलेंट। ओ छिल्तर, तुझसे बात नहीं कर रहा, हट कुछ है, मैं अपनी परी से बात कर रहा हूँ। ओ पर मैं तो तुझसे बात कर रहा हूँ ना। ये उंगली किसको दिखा रहे? मीटर घूम जाएगा मेरा, हट पीछे। मेरा मीटर ना घूम गया। तेरे तो बड़ा काटूंगा। अरे नादरा, तुम आओगी तो मैं तुम्हें बताऊंगी। अरे समरा, चाय बन रही है, क्या बन रहा है, जल्दी लेकर आओ। जी हाँ, ये समरा से कह रही हूँ, तोहफा है। हाय अल्लाह, क्या हुआ ये है? ये तेरी कमीज कैसे फट गई? हुलिये को क्या हुआ, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। आप ऐसे कैसे किसी से झगड़ के इस तरह से? वो काम पे हो ही जाता छोटा मोटा। ठीक हूँ मैं। कितनी मर्तबा कहा है कि अपने गुस्से पर काबू रखा कर, लेकिन तू मेरी सुनता ही कहाँ है? अम्मी हो ही जाती है लड़कों की लड़ाई, क्या हो गया है? कोई चोट पड़ने लगी? मैं ठीक हूँ, कपड़े बदलने लगा हूँ। मैं अंधी हूँ, नजर नहीं आ रहा मुझे। तू क्या मुंह खोल कर उसे देख रही है? अरे मर्द का बच्चा है, मर्द का बच्चा, चोट लगेगी भी ना तो बताएगा नहीं। चल जा, जाके देसी मुर्गी की यखनी बना और दूध लेकर जा उसके लिए, हल्दी वाला। अब चाय बना कर दे मुझे। क्या जरूरत थी इतना हंगामा करने की? देखो इतनी चोट लग गई। मैंने हंगामा किया? अरे शुक्र करो जिंदा बच गया वो, वरना मैं तो उसे मैं खुद ही हैंडल कर लेती। क्या जरूरत थी उससे लड़ाई करने की? मेरी जान, कोई तुम्हारे पर गलत निगाह डाले ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। आते हो
अपने जज्बात पर काबू रखो। ऐसा ना हो कि राशिद मेरे लिए कोई और मसला खड़ा कर दे। मसला वो खड़ा करेगा, वो भी तुम्हारे लिए? अरे तो फिर हम किस काम के? मसला खड़ा होने से पहले मसले को जड़ से खींच लूंगा। तू मुझे समझती क्या हो मैं? अरे बस कर दो ना, अभी इतना गुस्सा तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। आराम से बैठो, चोट लगा ली तुमने, दर्द हो रहा होगा ना? मर्द को दर्द नहीं होता। अब्बा ने मुझे भेज दिया, राशिद भाई की तबीयत नहीं ठीक थी, उस वजह से समराबाजी भी नहीं आ सकती थी। फिर उन्होंने कहा कि तुम ही जाके उसे शॉपिंग कराओ। बेटा यूं आप बेशक उन्हें फोन करके पूछ ले। नहीं। और वैसे भी शॉपिंग जो है वो तो इफ्रा की मर्जी से होनी चाहिए, क्यों चाची जान? इफ्रा जी ये प्लीज जरा चाय गर्म कर लाना, ठंडी मुझे दो, मैं कर देती हूँ, तुम जाओ तैयारी करो। अम्मी आप भी साथ चलो। अरे नहीं नहीं बेटा, ये तबीयत ठीक नहीं उसकी, इससे तो चला नहीं जाएगा ना, तुम जाओ। शाबाश, मैं कर देती हूँ ना। बेटा जल्दी वापस ले आना। जी जी आप फिक्र ना करें, बैठिए प्लीज। हाँ 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 के लिए कुछ लाऊं? नहीं। यहां क्यों बैठ गई हो? जाओ उधर, शाबाश उधर जाओ। आज तो मैं कहीं नहीं जाऊंगी, आज मैं आपसे पूछ के रहूंगी कि आप मुझ पे क्यों इतना गुस्सा होते हैं। तुम अच्छी तरह जानती हो मैं किसी के साथ अपनी बातें शेयर नहीं करता, खास तौर पे तुम्हारे साथ। परी की बेतनाई ने आपको परेशान कर रखा है, इसलिए आप से इतनी बेरहमी बरतते हैं। आपको मेरी कभी फिक्र नहीं हुई? ओ बीबी अपनी बकबक जो है ना उसको बंद करो। मुझे खामोश करने से कुछ नहीं होगा। आपको ना आपको खुद को खामोश करने की जरूरत है। ये जो आपके अंदर शोर चल रहा है ना, आपको इसको खत्म करने की जरूरत है। हाँ, और अगर आप नहीं करेंगे तो मैं क्या? तो मैं ताया अबू को आपके और परी के बारे में बता दूंगी। क्या बकवास कर रहे हैं? क्या बकवास कर रही है? राशिद दर्द हो रहा है, छोड़ो। खबरदार, ये डरावा दोबारा दिया मुझे, तो मुंह तोड़ूंगा तेरा। आपको लगता है ये सब करने से मैं खामोश रहूंगी और सब ठीक हो जाएगा? खामोश तो तुझे होना पड़ेगा, वरना तुझे भेज दूंगा तेरे बाप के घर। और ये जो बच्चा है ना, ये मेरा बच्चा रहेगा मेरे पास। आप सभी ये बातें सिर्फ बंद कमरे में कर सकते हैं, सबके सामने नहीं। मैं कैसे बताऊं कि अपनी बकवास बंद रख, बंद रख बकवास। चाहे औरत ऐसी शुक्रिया। थैंक यू।
थैंक यू। कैसा लग रहा है? कैसा? मेरे साथ शॉपिंग करना, घूमना, आइसक्रीम खाना? अच्छा लग रहा है। पता नहीं क्यों, लेकिन तुम्हारे अंदाज से लग रहा है कि जैसे तुम खुश नहीं हो। खुश तो मैं हूँ, लेकिन बस समरा आप ही का ख्याल आ गया। अगर राशिद भाई भी समरा आप ही को इसी तरह रखते तो इतना अच्छा होता ना। पूरी उम्मीद है कि राशिद भाई ठीक हो जाएंगे, सब ठीक हो जाएगा। घर चले बहुत देर नहीं हो गई? अरे क्यों, इतनी सारी जो हमने शॉपिंग की है वो अम्मी को दिखाएंगे, समराबाजी को दिखाएंगे। इसी बहाने तुम्हारी भी मुलाकात हो जाएगी समराबाजी से। हाँ बहुत अच्छी बात है, चले आपके घर चलते हैं आइसक्रीम। हाँ। इश्क तेरा सताए सांस है थमी सी, नैना मेरे बहते जाए ऐसी जो वफा की, गम की चुभन है फिर रुलाए, हम मर मिटे हैं दिल लगा, सीखा है तुमने पड़ा दिल को जलाना, छोड़ दिया है तुमने हमको।